होगा जो इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और टर्बो वीपीएन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको सिंपली वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ओपन करके आपको ऊपर न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। एंड यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपको अपनी गैलरी में से अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको वीडियो को ऐप के अंदर ऐड करना है, देन आपको वीडियो का एंड माना है। यहाँ पर आपको इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको टैप करके आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी वीडियो की ऑडियो को म्यूट करना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले बटन पर टैप करना है एंड इसकी ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करके आपको नीचे की तरफ ओवरले वाले बटन पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आपको ऐड ओवरले इस पर आपको टैप कर देना है। सो आपको अपनी गैलरी में से रील वीडियो को सिलेक्ट करके ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो ये वाली रील वीडियो है, जैसे कि देख सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। देन ऐप के अंदर आपको इसको ऐड करना होगा। ऐड करके फ्रेंड्स आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करके आपको इसको नीचे की तरफ एडजस्ट करना है। कुछ इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे एंड इसी के थ्रू हम ये एडिटिंग करेंगे। ओके, तो आपको इसको ऐड कर लेना है। तो ये करके आपको सिंपली वीडियो को प्ले करना है। वीडियो को प्ले करके देखना है कि छोटे वाली वीडियो के अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो, छोटे वाली वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में आपको एक ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड उसी ब्लर इफेक्ट के आगे आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा फ्लैश टाइप का। तो ये वाला फ्लैश, तो सिंपली आपको वहाँ पे आना है जहाँ पे ये फ्लैश आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे एंड उसी वाले पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे ये फ्लैश टाइप का ये एनिमेशन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है जहाँ पे ये एनिमेशन आ रहा है। तो सिंपली आपको वीडियो को पॉज करना है इस वाली पोजीशन के ऊपर एंड आपको नीचे की तरफ इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इनको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ आपको वाइब्रेशन फ्लैश वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ राइट वाले बटन पर टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो इस इफेक्ट की लेंथ को आपको थोड़ा सा छोटा करना है, जितना मैंने करा है आपको उसको इतना करना है एंड इसको थोड़ा सा आपको होल्ड करके पीछे की तरफ पढ़ना है, जिससे ये परफेक्ट तरीके से इसमें ऐड हो जाए। तो आपको ये कर लेना है। देन इसी इफेक्ट के ऊपर आपको वापस से टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको एडजस्ट वाले बटन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में स्पीड की लाइन देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको इसको 20 कर लेना है। ओके, एंड उसके नीचे आपको इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, तो आपको इसको फुल कर देना है एंड उसके नीचे आपको ग्लो देखने को मिलेगा, तो आपको इसको इंक्रीज करके 70 के आसपास रख लेना है एंड ये करके आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। तो इसके अंदर ये परफेक्ट तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये करके फ्रेंड्स आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड देखना आगे कौन सा और इफेक्ट है। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर आपको वापस से वही वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा जो हमने ये ऐड करा था। तो सिंपली आपको इस वाले इफेक्ट के ऊपर टैप करना है एंड आपको सिंपली इसको डुप्लीकेट करके आपको इसको होल्ड एंड आपको इसको आगे की तरफ ऐड कर देना है। तो ये करके फ्रेंड्स आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है एंड देखना आगे और कौन सा इफेक्ट है। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे शेक इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है छोटे वाली वीडियो में, तो सिंपली आपको वहाँ पे आ जाना है। देन आपको अपने वाली वीडियो पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको स्प्लिट वाले बटन पर टैप करके सिंपली आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना है एंड ये जो वाला पार्ट है तो सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड नीचे आपको एनिमेशन वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इनका आउट का और कॉम्बो का। तो कॉम्बो वाले को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कॉम्बो वाले में कई सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जूम फर्स्ट वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसकी ये जो ड्यूरेशन है आपको सिंपली इसको 2 सेकेंड रख लेना है। ओके, ये करके आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। तो इसमें यह परफेक्ट तरीके से अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। एक बार मैं वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि देख सकते हो, इसमें ये अप्लाई हो चुका है परफेक्ट तरीके से। तो आपको ये कर लेना है एंड उसी के आगे आपको ये फ्लैश टाइप का एनिमेशन वापस से देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के यहाँ पे आना है पीछे की तरफ एंड सिंपली आपको इसको इफेक्ट को डुप्लीकेट कर लेना है एंड सिंपली आपको इसको होल्ड करना है एंड आपको इसको आगे की तरफ ऐड कर देना है जहाँ पे ये इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है छोटे वाली वीडियो में, वहाँ पे आपको इसको ऐड कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको अपने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ब्लर इफेक्ट को ऐड करना होगा, जैसे कि देख सकते हो छोटी वाली वीडियो में। तो ऐड करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड वीडियो इफेक्ट इस पर आपको टैप करना है।
एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस पर आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपको इनमें से हॉलो ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर आपको हॉलो ब्लर इफेक्ट देखने को ना मिले तो आपको ऊपर की तरफ पीपल आर सर्चिंग वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना हॉलो ब्लर इफेक्ट। तो सिंपली हम यहाँ पर सर्च करते हैं हॉलो ब्लर। तो सर्च करने पर आपको ऊपर की तरफ हॉलो ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ कैंसिल वाले बटन पर टैप करना है एंड राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको नीचे की तरफ एडजस्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड आपको इसकी जो स्पीड है इसको आपको जीरो कर देना है, इंटेंसिटी को आपको फुल करना है, देन राइट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। तो ये कनेक्टमेंट फ्रेंड्स आपको इस इफेक्ट की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करना है, मतलब यहाँ तक आपको इसको कर लेना है ये जो इफेक्ट है हमारा। तो सिंपली आपको इसको यहाँ तक कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये कर लेना है। देन इसी के साथ यहाँ पर हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है एंड नीचे की तरफ आपको ओवरले वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे हमने जो ये रील वीडियो ऐड करी थी तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक्सटर्नल ऑडियो वाला बटन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड आपको ये रील में से साउंड कन्वर्ट करके आपको इसके अंदर ये ऐड कर देगा, मतलब साउंड को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आपको साउंड को कन्वर्ट कर लेना रील में से। सो ये करके फ्रेंड्स आपको वीडियो को लास्ट माना है एंड यहाँ पे ये साउंड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो वो हमारा साउंड यहाँ तक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को यहाँ तक स्प्लिट कर लेंगे। ओके ये करके फ्रेंड्स आपको बैक आना है, देन वापस आपको ओवरले वाले बटन पर टैप करना है एंड जो ये रील वीडियो है तो सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करके फ्रेंड्स आपको वीडियो को सेव कर लेना है। तो ऊपर की तरफ आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है, देन ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करना, जिससे हमारी ट्रेंडिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब कर लेना।